नई चीखें, नए जख्म, नई तबाही। मंदिर में लोग कितने होंगे? मिशन का दूजा हिस्सा शुरू होने वाला है काके। हर एक आधे घंटे एक बंधक मारा जाएगा। अभी अभी एक बंधक को मार दिया गया। ना पुलिस ना आरएएफ को एक्सपीरियंस है ऐसी सिचुएशन से डील करने का। एनएसजी मस्ट एंगेज, क्योंकि बिलाल नाइकू के छूटने के बाद उन हॉस्टेज का छूटना तो नामुमकिन हो जाएगा। लेट मी गो इन नाउ सर। आ गए कुत्तियों, हलाल कर देना है तेनू हलाल। आप सुन रहे हैं अपना मृणाल यानी रेडियो बाबा को, एंड आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने स्पेशली 90s जो था हमारा वो बहुत ही इश्क विश्क से बना दिया। एक चैन कुली की मैन कुली उन्होंने डाल दिया उसमें। उन्होंने कहा कि भैया कर ले तो चांस पे डांस, और हमें कर दिया अपने पे फिदा। सो टुडे वी हैव मिस्टर केन घोष। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। एक्चुअली आपने 90s का जिक्र किया तो मैं आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल डोंट, समहाउ आई फॉरगॉटन। सो आई आल्सो यूज्ड टू डू म्यूजिक वीडियोस, सो आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर मेड इन इंडिया। आपको क्या कहूँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर? नहीं डायरेक्टर, बाकी सब। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो इट्स बिकॉज सो दैट आई कैन डायरेक्ट। अगर मैं राइट करता, इफ आई राइट एनीथिंग, इट्स आई राइट इट सो दैट आई कैन डायरेक्ट। राइट, सो आई एम अ डायरेक्टर। यस, ओके। एंड सर, अभी जो आप एक चीज लेके आ रहे हो, SOS, द टेंपल अटैक, सो सर इसके बारे में मुझे बताइए कि इसका आइडिया, इसका क्रिएशन, आपके कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ सर? तो दिस इज सीजन 2 ऑफ अ वेरी पॉपुलर वेब सीरीज कॉल्ड स्टेट ऑफ सीज। Right. Which has always been about the commandos, the NSG commandos. So State of Siege was based on 2611, yeah. And season 2 is a film which is loosely based and inspired by the terrorist attack on the Akshardham temple. Ji. But that's the only similarity. आप ये एक डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सो ये SOS में अक्षय खन्ना जी एक NSG कमांडो का आई थिंक किरदार पोर्ट्रे कर रहे हैं, सो वो कितना डिफिकल्ट इजी आपके लिए रहा, यू नो, टू गिव द गाइडेंस, और एक एज अ डायरेक्टर भी वो उसको विजुअलाइज करना आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान रहा? तो बहुत ही, ये जो शख्स जो है मिस्टर कर्नल सेन, कर्नल सेन वाज नॉट देयर, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल एंड वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल फॉर मी टू। ऑल द क्रेडिट ऑफ दैट गोज टू कर्नल सेन। कर्नल सेन इज हिमसेल्फ अ रिटायर्ड एनएसजी कमांडो एंड ही वाज अ कंसल्टेंट ऑन द फिल्म। राइट, सो एवरीथिंग राइट फ्रॉम द यूनिफॉर्म्स टू द वे दे वॉक, हेल्ड द वेपन्स फायर्ड, ऑल एवरीथिंग वाज cleared by him, and he gave a lot of inputs. Okay. To how it is to be done. Without him, all none of that would have been possible. So sir, कुछ special trainings भी जितने भी characters उनको करवाई गई क्या कुछ? तो थोड़ा सा we did do a workshop. You know, in terms of just basically stance, weapon holding, moving together in a formation, how you move forward, how you approach a door, things like that. रोल किया, फिर उसके बाद आक्रोश में भी एक वो यू नो सिविल, राइट राइट, तो उसमें उन्होंने एक एज अ पुलिस वाला या सीबीआई वाला वो रोल किया, उसके बाद अब वो कर रहे हैं। आई थिंक ही जस्टिफाइज दिस काइंड ऑफ रोल वेरी मच,
राइट सर, सो उनके उनके साथ वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सो आई विल टेल यू वन थिंग, के इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर अक्षय टू कम ऑन सेट ऑन द फर्स्ट डे एंड यू नो हैव that attitude ke I have done border, I have done LOC, I have done this before, so bhai I know what I need. No, he was like a student, like right. It was his first film, I mean, and that he was you know just starting from scratch and starting anew, and that I must say is a really cool thing for an actor to do. Right sir, I think not for an actor sir, I think for each and every artist, like we all belong to the entertainment industry. And it's always good to unlearn the stuff to learn the new stuff. Absolutely, absolutely, very well said, very well said. And sir, तो ये कैसा incident during this SOS जो आपके mind में एक remark छोड़ गया हो, जो अभी तक आप you know वो कभी भूल नहीं पाओगे and entire your life. तो it is not so much about a incident, but you know तो there are a lot of scenes where an NSG commando has to protect or save a civilian. Right. So, वहाँ पे, so when Colonel Sen used to show us, you know, there's a way, the way automatically his hand used to go out, you know, like that to protect him. You know, he would put his body in front of, okay, if any bullet comes, I will take the bullet. Right. You know, but you, I will make sure you are not harmed. So that was a very, I know it came. It was like wow, you know, for a person to be trained and to be mentally ready, right? Okay, I am going to give my life for a stranger, right? Because but he's from my country, he's my countryman, and my life will go before. सर तभी इसमें एक वो मैंने चीज देखी जो चीज जो आपने कही आई गेस उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है कि देश की आन बचाएंगे जवान. It's very, how do I say it? I mean, there are times when we want to, we go a little filmy because at the end of the day, it's a film. It's a Hindi feature film. But the action is very real. It's very authentic action. Right. So let me know. Right, sir. Surely, I'll soon post the review of SOS The Temple Attack as well. And I hope you like that very much. And mere jitne bhi... I hope you like the film. Yes sir, absolutely. And जितने भी audience हैं, जितनी भी हमारे listeners हैं, उन सबको मैं बोलना चाहूँगा, this is an amazing piece of art. Please जाके देखिए SOS The Temple Attack is on Z5 and 9 जुलाई को ये आ जाएगी आपके नजदीकी टीवी पर, लैपटॉप पर, फोन पर. And sir, कुछ अगर हमारे Naira listeners को अगर आप एक message कुछ देना चाहें तो, well, all I have to say is take care of yourselves. You know, one more lesson I learned is film mein, watching the story of the hostages. Ke you never know ki kab kya hoga. Right. You know, suddenly things you took for granted will not be there. So enjoy every moment that you have. Life is a gift. Enjoy it. Right. And sir, ek aakhri sawal. जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट करी, बहुत सारा आपने स्क्रिप्टिंग करी, सब कुछ करा, इंटरव्यू में मेरे साथ आकर कैसा लगा आपको? लॉट ऑफ फन सो फार. आई विल रीड योर रिव्यू एंड देन आई विल डिसाइड. श्योर सर, आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल टैग यू ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, सो आई होप यू विल लाइक इट वेरी मच सर. डेफिनेटली. Definitely. Thank you so much for sir for your time and Jai Hind and Sahas ki Vijay. Sahas ki Vijay. Thank you, sir. You are listening to Radio Naira 99.9 FM SG4, 101.9 FM and 1490 AM with your host Mrinal Madan, your very own Radio Hour. Stay tuned.